माशाल्लाह से 40 मिनट लग गया हमारी ब्रेड को। ये देखिए इसको चेक कर लेते हैं, स्टिक के साथ चेक करेंगे इसको। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तवे में बेक हुई है। माशाल्लाह ब्रेड देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी बेक हुई है। इसको काट के भी दिखाते हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी नरम हुई है। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं चिकन ब्रेड की, बहुत ईजी और आसान तरीके से बनाएंगे। बताते हैं आपको बनाने का तरीका, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज की एक नई रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ चिकन ब्रेड की, बहुत ईजी आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। घर में पहले में इसको बेक करेंगे। 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है, 1/2 टीस्पून से कम नमक लिया। इसी के अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। चीनी और ऑयल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा 1/2 कप मैंने पानी लिया, 1/2 कप दूध लिया, उसको मैंने गर्म कर लिया। ये इसके अंदर डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लेते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पहले तक जरूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले हम डो रेडी करेंगे। 1 मेजरमेंट के साथ 1.5 कप मैं मैदा लूँगी, इसको मैंने अच्छा सा छान लूँगी। अब इसी के अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ईस्ट। ईस्ट शामिल करने के 1 टीस्पून बच के लिए था मैंने, ये इसके अंदर चली जाएगी। 4 रुपये का पैकेट होता है ये, 3 साशे होते हैं इसके अंदर। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो हमने चीनी तैयार की थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये भी इसके अंदर डाल देंगे मिक्स करके। अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध लेंगे, उसको अच्छे से गूंद लेंगे। उसको इतना गूंदेंगे हम 4 से 5 मिनट के लिए कि ईस्ट हमारी इसके अंदर बिल्कुल जज़ब हो जाए और स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। हल्का सा ऑयल लगा के मैंने 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे हाथ की हथेली से इसको अच्छा सा मल के गूंद लिया। 5 से 6 मिनट के लिए इसको गूंदे, राइस भी बहुत अच्छा सा होता है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। पिज़्ज़ा की डो बनाए तब भी ऐसे ही बनाया जाता है, ब्रेड की बनाए तब भी ऐसे। इसको मैंने देखिए कितना ज़बरदस्त हो चुका है ये। मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छा सा भून लिया। एक डिब्बा लेंगे, इसी के अंदर हम ऑयल लगा देंगे। डो है, डो के ऊपर भी ऐसे थोड़ा सा लगा देंगे ये ड्राई ना हो। उसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ये अच्छी सी राइस हो जाएगी। कवर करके इसको बंद करके गर्म कर पे रखते हैं। कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून ऑयल, ये चला गया इसके अंदर। लहसुन डाल देंगे इसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ। इसी के अंदर डाल देंगे 100 ग्राम चिकन बारीक रेसा की हुई, तो बिल्कुल बारीक मैंने काट दिया था, ये उसके अंदर डाल देंगे। उसको भून लेंगे अच्छा सा 2 से 3 मिनट के लिए। फिर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। 1/2 कप लिए मैंने गाजर, मेरे पास फ्रिज की हुई यही डालेंगे। 2 टेबल स्पून प्याज डालेंगे, 1/2 कप डालेंगे बंद गोभी, इसको भी बारीक काट लिया था। शिमला मिर्च 1/2 कप है, इसको भी बारीक काट लिया था, ये शामिल करेंगे। उधर डाल देंगे 1 स्पून नमक, थोड़ा सा कम भी डालेंगे, सोया सॉस में भी नमक होता है। और 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च, अच्छा सा भून लेते हैं। ठीक है, अंदर शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज, गाजर मैंने पहले शामिल कर दी थी, थोड़ी सी हार्ड होती है ये। इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, ये चला गया इसके अंदर। चिली सॉस 1 टीस्पून, ये चलेगी। सिरका शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ये सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल को अच्छा सा मैंने भून लिया। फिर इतनी ज़बरदस्त मसाला हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है, तो अब ठंडा करेंगे। माशाल्लाह से दो हमारी कितनी ज़बरदस्त राइस हुई है, कम कर लेते हैं। कम गुलाई में बेल लेंगे ऐसे। ब्रेड को मैंने बेल लिया, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त इतनी मोटी रखी है मैंने ये। पिज्ज़ा ट्रे के अंदर सारे मैंने ऐसे डाल दिए, ऐसे हाथ से हल्का सा दबा देंगे इसको।
अब इसी के अंदर हम फिलिंग डाल देंगे। फिलिंग को हम सेंटर के अंदर ऐसे रखेंगे, ऐसे गुलाई में सारी फिलिंग इसके अंदर ऐसे ही डाल देंगे। इसके ऊपर चीज लगाएंगे ऐसे। अब इसको हम ऐसे उठाएंगे और ऐसे नीचे से सील कर देंगे ऐसे। चलो से ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर अंडा लगा देंगे। अब इसको बेक कर लेते हैं। इडली को मैंने पहले 15 मिनट गर्म कर लिया था, आराम से इसके अंदर आ गया था। देखते हैं हाथ उठा के, बहुत गर्म है ये। इसको चेक करेंगे 40 से 45 मिनट बाद। माशाल्लाह से 40 मिनट लग गया हमारी ब्रेड को। ये देखिए इसको चेक कर लेते हैं, स्टिक के साथ चेक करेंगे इसको। ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त तवे में बेक हुई है। जबरदस्त, इसको निकाल लेते हैं, बड़ी गर्म है ये। अभी ठंडा करेंगे, सर्व करेंगे इसको। माशाल्लाह ब्रेड देखिए कितनी जबरदस्त हमारी बेक हुई है। इसी के ऊपर हम लगाएंगे ऑयल, बटर भी लगा सकते हैं, इससे और ज़्यादा नरम हो जाती है। इसको काट के भी दिखाते हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी नरम हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो नए हैं हमारे चैनल पर, वीडियो को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में महफूज रखे। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।